अब हमने आपको बताया कि एनडीए अलायंस में उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी को एक सीट दिया गया। आप बताइए भला हमारे समाज का 10% आबादी है और आबादी 10% होने के बाद हमारे समाज के वैसे लोगों को एक सीट दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा जी 2014 के जब अलायंस में थे तो उनको 3 सीट मिला, आज चिराग पासवान को 5% के उनकी आबादी के होने के बाद उनको 5 सीट दिया गया और हमारे समाज के नेता को 1 सीट दिया गया। अब आप ही बताइए भला हमारा समाज क्या करे, क्या निर्णय लेगा। तो इसलिए समाज का लोग इन सारे तथ्यों को मिला। अजबनाथ सिंह किसको वोट देना है? जो हमारे समाज तय करेंगे उनको दे देंगे। जो भी लोग कुशवाहा है वो सब लोग हम एकजुट होकर एक जगह वोट करेंगे। सब लोग एकजुट है? हाँ सब लोग एकजुट। सब लोग आ गए हैं कि कुछ लोग चिराग पासवान के हराने का काम किया जाएगा, कैसे? चिराग पासवान ने कुशवाहा समाज के टिकट नहीं दिए हैं। चिराग पासवान को हराने के लिए ये सब किया जा रहा है? हाँ, कैसे? चिराग पासवान ने कुशवाहा समाज के को भी टिकट नहीं दिए हैं और बिना देवी के हमारे भेरी टिकट दिए हैं और 25 करोड़ में सोने हैं से टिकट वो बिक्री हुआ है। हाँ। अभी हम बिहार के हाजीपुर में हैं और हाजीपुर वैशाली के जितने भी कुशवाहा समाज के लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। और ये लोग जो हैं आपस में एकमत होने का विचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में कुशवाहा समाज के लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इन लोगों ने प्लान बनाया है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में हम जो है एनडीए गठबंधन को वोट ना करके इंडिया अलायंस के जो भी प्रत्याशी हैं उनको वोट देंगे। देखिए यहाँ पर जो है लोगों का कितना जो है भीड़ है, एक भी कुर्सी खाली नहीं है। जितने भी आसपास के लोग हैं और जो भी वरिष्ठ लोग हैं, जो नेता जैसे लोग हैं या लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, वैसे वैसे लोग जो हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये लोग आपस में विचार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि इस बार लोकसभा के चुनाव में हम किसको वोट करेंगे और वैसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो हम लोग के बारे में सोचेंगे। देखिए हमारे साथ अभी इधर अजय कुशवाहा आ गए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर पूरे वैशाली के जितने भी कुशवाहा समाज के लोग हैं आप लोग एकत्रित हुए हैं, किस लिए यहाँ पर आए हैं? देखिए 1977 से हाजीपुर का लोग, वैशाली जिले का लोग लगातार रामविलास पासवान जी और उनके परिवार को वोट देते रहा है और आज के वर्तमान परिस्थिति में जब उनकी पार्टी को 5 सीट मिला उसमें 1 सीट कुशवाहा को देने की चर्चा लंबे समय से चल रही थी लेकिन पार्टी 1 सीट कुशवाहा को नहीं दिया, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के लोगों में ये परेशानी बनी और हमारे समाज के सारे लोग क्षुब्ध हो गए और लोगों का कहना हुआ कि इस तरीके से हम लोगों को जो अपमानित करने का काम चिराग पासवान जी ने किया है, इसलिए हम लोग इस बार चिराग पासवान जी को मतदान नहीं करेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये महापंचायत का आयोजन हुआ है, समाज के सारे लोग एकत्रित हुए। आप लोजपा पार्टी से भी जुड़े हुए थे और अभी जो है रिजाइन मार दिया? हम लोग 22 लोग छोड़े थे पार्टी 3 अप्रैल को, हम लोगों ने पार्टी छोड़ा 22 लोगों ने और इसलिए छोड़ना पड़ा कि पार्टी के द्वारा ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो व्यक्ति 1 मिनट के लिए पार्टी का काम नहीं किया, सामाजिक स्तर पर सामाजिक स्वरूप में कहीं नहीं है, वैसे लोगों को धनबल के आधार पर उनको टिकट दे दिया गया, इसलिए ये परिस्थिति बनी और पार्टी के तमाम लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इस बार लोकसभा का चुनाव में हाजीपुर वैशाली की जो भी सीटें हैं यहाँ से किसको कुशवाहा समाज चुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में कुशवाहा समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगभग हर एक गांव से ही लोग आए हुए होंगे, तो क्या मन बना है किसको चुनेंगे? देखिए ये महापंचायत इसलिए आयोजित किया गया है और सबके मन की बात समझना है। अभी वक्ताओं का चल रहा है संबोधन और अभी हम लोग जब बोलेंगे तो उन सारे तथ्यों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के क्रम में लोगों से राय मांगेंगे और जो राय बनेगा उसके हिसाब से निर्णय होगा, थोड़ा इंतजार करिए। एक पैम्पलेट आप लोग के चल रहा है, एक पैम्पलेट में छपवाए हैं कि हम लोग जो हैं एनडीए को वोट नहीं देंगे, इंडिया अलायंस से जो भी कैंडिडेट आएंगे उन्हीं को वोट देंगे। देखिए वो ऐसा है कि समाज के लोगों ने जो देखा है, जो समझा है, जो परखा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1977 से हाजीपुर में रामविलास पासवान और उनके परिवार को हमारा समाज पूरी मुस्तैदी के साथ मतदान करता रहा है लेकिन उसके हिसाब से हम लोगों को कोई राजनीतिक हिस्सेदारी रामविलास पासवान और उनके परिवार उनकी पार्टी के द्वारा हमारे समाज को नहीं दिया गया, इसलिए हमारा समाज नाराज है। आज जब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे और जो अंतिम निर्णय आएगा कुछ क्षणों में आपको उस निर्णय से अवगत कराया जाएगा
और आप पूरी तरह से देख लेंगे कि हम लोगों का समाज क्या निर्णय लेता है, हम लोग उसको आप लोगों के सामने रखेंगे। यानी कि आप सभी लोग एकजुट हो चुके हैं। हम एकजुट नहीं होते तो इतने समाज के लोग आते कैसे, हर गांव से आए हैं सब समाज के, वैसे सभी जो नामचीन व्यक्ति हैं जो समाज में अपना पकड़ रखते हैं वैसे सारे लोग एकत्रित हुए हैं और सब लोगों की जो इच्छा होगी उसके अनुरूप आज ये महापंचायत निर्णय लेगा। यानी कि आप लोग का ये भी कहना है कि हमारे कुशवाहा समाज के एक भी लीडर का जो है टिकट नहीं दिया गया एनडीए गठबंधन के द्वारा एनडीए से, इसलिए आप लोग एकत्रित होकर के दूसरे पार्टी को, दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनको वोट देने का प्लान कर रहे हैं। अब हमने आपको बताया कि एनडीए अलायंस में उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा जी को एक सीट दिया गया। आप बताइए भला हमारे समाज का 10% आबादी है और आबादी 10% होने के बाद हमारे समाज के वैसे लोगों को एक सीट दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा जी 2014 के जब अलायंस में थे तो उनको 3 सीट मिला, आज चिराग पासवान को 5% के उनकी आबादी के होने के बाद उनको 5 सीट दिया गया और हमारे समाज के नेता को 1 सीट दिया गया। अब आप ही बताइए भला हमारा समाज क्या करे, क्या निर्णय लेगा। तो इसलिए समाज का लोग इन सारे तथ्यों को मिलाया, देखा, समझा, परखा और अंतिम निर्णय के कगार पे है और आज ये महापंचायत का आयोजन है, आज ये सारा कुछ निर्णय करके हम लोग आप सबको अवगत कराएंगे। तो ये हमारे साथ अजय कुशवाहा हैं जिनसे बातचीत कर रहे थे, ये जो हैं युवाओं में काफ़ी पकड़ रखते हैं, साथ ही साथ जो हैं सभी लोग इनको सपोर्ट भी करते हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ, इधर जो है एक बुजुर्ग हैं, क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र सिंह। कहाँ से आए हैं? नारायणपुर। किसको वोट दीजिएगा इस बार? अब यहाँ जो विचार होगा उसके बाद ही ना बताएंगे। यानी कि यहाँ जो विचार हो जाएगा उन्हीं को वोट देना है? हाँ, उन्हीं को देना। ऐसे ऐसे कुछ तो सोचे होंगे ना? ना, अभी कुछ नहीं सोचे हैं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? अजबनाथ सिंह। किसको वोट देना है? जो हमारे समाज तय करेंगे उनको दे देंगे। आपका समाज जो तय कर लेगा उसको वोट दे देना। उसको सब आदमी हम वोट देंगे। यहाँ पर लगभग कितने लोग आए होंगे? 7-8 जो भी लोग कुशवाहा है वो सब लोग हम एकजुट होकर एक जगह वोट करेंगे। एकजुट है? हाँ, सब लोग एकजुट। सब लोग आ गए हैं कि कुछ लोग बचे हुए भी? कुछ लोग आ भी रहे हैं। आ भी रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो है कुशवाहा समाज से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी लोग जो है अपना यहाँ पर जितने भी लोग हैं अपना जो है बात विचार कर रहे हैं, जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। ये देखिए एक युवा है, क्या नाम हुआ जी आपका? मिठू कुमार। के हराने का काम किया, क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं चिराग पासवान के हराने का काम किया जाएगा, कैसे? चिराग पासवान ने कुशवाहा समाज के टिकट नहीं दिए हैं। चिराग पासवान को हराने के लिए ये सब किया जा रहा है? हाँ, कैसे? चिराग पासवान ने कुशवाहा समाज के को भी टिकट नहीं दिए हैं और बिना देवी के हमारे भेरी टिकट दिए हैं और 25 करोड़ में सोने हैं से टिकट वो बिक्री हुआ है। हाँ, इसी के लिए हमें सबके कुशवाहा समाज में एकत्रित किया जा रहा है कि चिराग पासवान का जहाँ से सीट होगा उसको हराने की कोशिश किया जाए। देखिए, यहाँ पर जो है हजारों की संख्या में वैशाली जिला के जो भी लीडर हैं, छोटे लीडर, बड़े लीडर या कुछ लोग हैं, वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं या जिनको समाज में अच्छा पकड़ है उन सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और उसके बाद जो है ये निर्णय लिया जाएगा कि किसको वोट करना है। देखिए, एक और लोग है यहाँ पर, क्या नाम हुआ भैया आपका? राजेश कुशवाहा। किसको वोट देना है? आप देख रहे हैं और समाज फैसला करेगा। आपका समाज जो फैसला कर लेगा वही सोच करना? बिल्कुल। आपका समाज फैसला करता है कि हम चिराग पासवान को वोट करना है तो हम मिल बैठ के देख लेंगे, जिसको करना होगा करेंगे हम लोग। चिराग पासवान के पार्टी को अगर वोट करने का फैसला ले ले तो करिए कि नहीं करिएगा? हाँ, जो समाज फैसला करेगा उसमें हम रहेंगे सभी लोग। बिल्कुल। अच्छा, आप भी समाज के साथ हैं? हम जो मेरे समाज के साथ हैं हम उसके साथ हैं। क्या बोल रहे हैं? जो मेरे समाज के साथ हैं हम उन लोगों के साथ हैं। आपके समाज के साथ कौन है? है बहुत लोग है। जैसे में? जैसे में बहुत लोग है भैया, नहीं बताएंगे। नहीं, नाम नहीं बताएंगे। वोट किसको देना है? कहे तो कि मेरे समाज के कल्याण के लिए जो लोग आगे आए हैं मैं उनको सपोर्ट करूंगा। ये तो बाकी आप बताइएगा कि आपको क्या कुछ करना है। यहाँ पर कुशवाहा समाज के लोग हैं जो वैशाली के हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।